हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। स्टॉक की करंट प्राइस की बात करेंगे तो 6.25 की करंट प्राइस चल रही है और ये जो आप चार्ट देख रहे हो हमने इसको वन डे टाइम फ्रेम में सेट कर लिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम आउट करके आपको बताना चाहूँगा। रिसेंट हाई की बात करेंगे तो 9 दिसंबर 2021 में ऑलमोस्ट 16.80 का हाई लगाने के बाद मैं स्टॉक में जो है मैं कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल चुकी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था ऑलमोस्ट 8 रुपीज का, इसको भी जो है नीचे के साइड में ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन के चलते भी हमें जो है बहुत ही बड़ी गिरावट अभी देखने को मिल रही है। अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की बात करेंगे तो ये वाला जो जोन हमने ड्रॉ किया है ऑलमोस्ट 5.50 रुपए से लेकर 6 रुपए का, यानी कि 5.50 से 6 रुपीज का जो ये सपोर्ट जोन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं चार्ट को आपको जूम आउट करके बताना चाहूंगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं अगस्त 2021 में स्टॉक ने जो है इसी लेवल पे आने के बाद में, मतलब यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली थी। इस लेवल पे आने के बाद में यहीं से ऊपर की ओर जो है शानदार तेजी हमें देखने को मिल चुकी थी। अभी देखिए फिर से स्टॉक जो है इसी लेवल पे आने के बाद में फिर से ऊपर की ओर जो है हमें बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी अगर हमें यहीं से ऊपर की ओर फर्दर तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री का प्लान करना चाहते हैं तो 5.50 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के ही आप इसमें फ्रेश एंट्री का प्लान करें। और दोस्तों एमएसडी इंडिकेटर की भी बात करेंगे तो बुलिश क्रॉसओवर हमें यहां पे देखने को मिल रहा है और जीरो लाइन के ऊपर भी जो है ग्रीन बार जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मजबूती के सिग्नल दे रहे हैं। अगर दोस्तों यहां पे ये सपोर्ट जोन अगर ब्रेक होता है, यानी कि 5.50 के नीचे अगर कैंडल सस्टेन करके क्लोजिंग दे देती है, तो फर्दर स्टॉक में हमें यहां से गिरावट देखने को भी मिल सकती है। तो स्टॉप लॉस को याद रख के ही इसमें फ्रेश एंट्री का प्लान करें। और दोस्तों अभी तक आपने एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस लिंक का यूज करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं एंजल वन ऐप में। दोस्तों आ चुके हैं ऐप में। ऐप में आने के बाद वॉच लिस्ट में आके सर्च बॉक्स में स्टॉक का नाम सर्च करके ऐड कर लेना है। हमने पहले से ही आइडिया को ऐड करके रख लिया है, उस पर हम टैप करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। सिंपली हमें बाय पे टच करना है। बाय पे टच करने के बाद अगर आप स्टॉक को बाय करके होल्ड करना चाहते तो आप डिलीवरी में करेंगे, सेम डे बाय सेम डे सेल करना चाहते तो आप इंट्रा डे में करेंगे। यहाँ पर हमें क्वांटिटी एंटर करनी है। मान लीजिए हमें यहाँ पर इसकी 1000 क्वांटिटी चाहिए तो यहाँ पर 1000 क्वांटिटी एंटर करेंगे। नीचे में लिमिट और मार्केट का ऑप्शन दिया है। लिमिट यानी कि स्टॉक को आप अपने मनपसंद प्राइस पर खरीद सकते हो, जैसे कि स्टॉक की प्राइस चल रही है 6.25। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं 6 पे तो यहां पे आप एंटर करेंगे। जब भी स्टॉक की प्राइस यहां पे आ जाएगी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मार्केट रेट क्या होता है, मार्केट रेट यानी जो भी स्टॉक की करंट प्राइस चल रही होती है उसी पे डायरेक्टली आपका ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हो जाता है। सिंपली हमें बाय पे टच करना है। बाय पे टच करने के बाद कंफर्म आ जाएगा। कंफर्म पे टच करने के बाद हमारा ऑर्डर जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम प्रोसेस रहेगी इंट्रा डे के लिए भी। दोस्तों ये जो वीडियो बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। जब भी आपको भी स्टॉक में एंट्री बनाए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इसमें एंट्री बनाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।